घर की कीमत मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, या ये कहूँ कि घर की कीमत मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। क्यों फाल्गुनी, ठीक कह रही हो ना? मैं जी जी माँ, ये आपसे ऐसे क्यों पूछ रही है? बोलो फाल्गुनी, क्या बात है? ये फिर से तुम्हारी कोई नई चाल है? पहले भी तुम ही ने मुश्किलें खड़ी की थी, मुझे जेल भिजवाया, हमारी कंपनी बंद करवाई, और अब ये इस घर को खरीद कर हमें वापस दे रही हो। बहुत महान काम कर रही हो तुम, और कहती हो तुम्हें घर की कीमत पता है। अगर घर की कीमत नहीं समझती तो घर वापस लौटाती नहीं। अनजाने में बहुत कुछ कर गई मैं, पर कहते हैं ना, अपने ही अपनों को सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। मतलब अपनी जीजी माँ से पूछो बिट्टू। वो तुमसे तो झूठ नहीं कहती होंगी ना? क्यों फाल्गुनी, बिट्टू को सच जानने का हक है ना? तुम कौन से सच की बात कर रही हो? और तुम्हारी बात का जवाब फाल्गुनी क्यों देगी? क्योंकि फाल्गुनी मेरी सगी बहन है। मैं फाल्गुनी और नियति की वो भुला दी गई बहन हूँ जो 20 साल पहले अपने परिवार से, अपनी माँ से, अपने रिश्तों से पिछड़ गई थी। 20 साल पहले जब मैं 5 साल की थी तो खो गई थी। इतना बड़ा बिजनेस चलाती हूँ, एक औरत होकर करोड़ों का सौदा करती हूँ, ऐसे में साबित करना पड़ता है कि मैं मर्दों से बेहतर हूँ, खूंखार बनना पड़ता है। और मैं तो वही कर रही थी जब मुझे पता चला कि मैं अपने बहन के परिवार वालों के साथ गलत कर रही हूँ। तो बहुत शर्मिंदगी हुई, इसीलिए आपका घर खरीद कर आप ही को लौटा दिया। आज तक जितना भी नुकसान किया है मैंने, उससे ज्यादा भरपाई कर दी। दुश्मन समझकर आपको बर्बाद करती रही, हो सके तो मुझे माफ कर देना। जी माँ, पियाली जो कह रही थी, क्या वो सच है? हाँ बिट्टू, तेरी जीजी माँ के अलावा तेरी एक और बहन भी है। किट्टू, यानी कि प्याली।
ये बात मुझे आज ही पता चली और मुझे अपने एक गुनाह के बारे में भी पता चला जो मुझसे बचपन में हो गया था। मेरी ही गलती की वजह से किट्टू हम सबसे अलग हुई थी। बिट्टू और ये सब तुमसे इस प्याली ने कहा, हम इसकी बात का कैसे विश्वास कर लें? हाँ चीची माँ, हो सकता है कि वो कहानियां बना रही हो। अगर वो जो कह रही है वो सच होता तो ये बात पहले सामने क्यों नहीं आई? आपको किसी ने कुछ कहा होता या आपको कुछ याद होता, पर प्याली झूठ बोल रही है। प्याली झूठ नहीं बोल रही बिट्टू, मुझे उसकी यादें हैं, धुंधली ही सही पर यादें हैं। अंजी दसी बुनी हुई रस्सी, घूम गोलम गोल, मीठा मीठा बोल। मैंने वो घर दान में इसलिए नहीं दिया कि मेरा दिल बहुत बड़ा है, बस एक चाल चली है जो बहुत बड़ी है। कैसे ये रेत फाल्गुनी की तरफ से मेरी तरफ आ रही है? ये रेत नहीं है, ये उसकी जिंदगी है, उसके रिश्ते हैं जो उसकी तरफ से मेरी तरफ आ रहे हैं। आज इतना पैसा है मेरे पास, फिर भी कुछ नहीं है। जानते हो क्यों? सिर्फ और सिर्फ फाल्गुनी की वजह से। फाल्गुनी ने मुझे जो घाव दिए हैं मैं उसे कभी भरने नहीं दूंगी। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मेरी बारी है, अब मैं उससे उसका सब कुछ छीनूंगी। मेरी वजह से उसे कभी एक परिवार का प्यार नहीं मिला, उसे कभी वो रिश्ते नहीं मिले जो हमें मिले, उसे वो घर नहीं मिला जो हमें मिला। शायद इसीलिए जब वो हम लोगों को नुकसान पहुंचा रही थी तो इसलिए कर रही थी क्योंकि तब वो हमें अपना बिजनेस राइवल समझती थी, और फिर उसे उसे बाद में पता लगा कि वो तुम्हारी बहन है। मैं कैसे बताऊं सबको कि प्याली हमेशा से जानती थी कि वो मेरी बहन है और इसलिए नुकसान पहुंचा रही थी मेरे परिवार को। अगर मैंने ये बात इन्हें बता दी तो ये कभी माफ नहीं करेंगे प्याली को, मेरी बहन को। उसके खुद के साथ इतना बुरा हुआ लेकिन फिर भी उसे खून के रिश्तों की कद्र, ये उसकी इंसानियत ही तो है कि उसने जो कुछ भी लिया सब वापस कर दिया, जितना लिया था उससे कहीं ज्यादा। ये तो उसके अंदर की अच्छाई है ना। अब सबको मेरी सिर्फ अच्छाई दिखाई देगी, जैसे ये गुलाब की पंखुड़ियां इसके कांटे निकालने के बाद लगता है कि कोई भी हाथ में ले सकता है, एक दूसरे पर बरसाते हैं, सबका डर जो निकल जाता है जैसे इन घर वालों का निकल गया। मैंने घर जो लौटा दिया और नहीं निकला होगा तो फाल्गुनी है ना, वो समझाएगी उन्हें, उसे
अच्छा बनने का ढोंग करने में बड़ा मजा आता है। वो किसी को ये नहीं बताएगी कि मैंने ये जानबूझ के किया। ये गुलाब का पौधा हटा दो यहाँ से, इसकी जगह मुझे रात रानी का गमला चाहिए। कमरे के अंदर मालकिन? क्यों? उस पे सांप आवे हैं। मेरी बहन फाल्गुनी से भी बड़े, उससे भी ज्यादा जहरीले, वो जो भलाई करने का ढोंग करती है ना, वो उसका डसने का तरीका है, और इसी का तो मुझे फायदा उठाना है। घर ले जाने आएगी वो मुझे, अपनी जिम्मेदारी पर शर्त लगा सकती हूँ। इस वक्त वो हाथ जोड़कर खड़ी होगी